दोस्तों महिंद्रा ने अपनी नई बोलेरो HD सीरीज जो है लॉन्च की है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आज के इस वीडियो के अंदर हम इसका ही एक वॉक अराउंड लेने वाले हैं। इसके अंदर वैसे चार वेरिएंट्स आते हैं, एक 1.3 आता है, एक 1.7 आता है और 1.7 के अंदर आपको जो है दो टाइप्स मिलते हैं, एक 1.7L और एक 1.7 नॉर्मल वाला। उसके बाद में आपको एक 2 टन वाला भी जो है मतलब 2.0 भी आपको जो एक मॉडल मिलता है। तो ऐसे आपको चार मॉडल मिलते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। हम 1.7L जो है देखने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इस गाड़ी के अंदर आपको जो है LX और VX ऐसे दो ऑप्शंस आते हैं। LX मॉडल के अंदर आपको सिर्फ व्हाइट कलर का ऑप्शन मिलता है, बट जो अगर आप VX मॉडल लेते हैं ना, जो कि ये वाला मॉडल है, इसके अंदर आपको एक गोल्डन एंड व्हाइट कलर का भी ऑप्शन आता है। ये वाला हम सिंपल व्हाइट कलर देख रहे हैं और जो पिकअप ट्रक है वो दिखने में काफ़ी मतलब बड़ा है। आप यहाँ पे जो इसके कंप्लीट लुक्स देख सकते हैं। जो बोलेरो मैक्स का सिटी वेरिएंट आया था ना, उसके जो आपको सामने के लुक्स मिलते थे ना, वही टाइप के यहाँ पे जो आपको इसके फ्रंट लुक्स मिलते हैं। आप यहाँ पे हेडलैम्प्स वगैरह देख सकते हैं, हैलोजन हेडलैम्प्स दी गई है। यहाँ पे जो इसके टर्निंग इंडिकेटर्स है, देन यहाँ पे जो आपको कुछ कॉर्नरिंग लैंप्स मिलते हैं, देन आप सामने के साइड में इसकी जो ग्रिल्स वगैरह देख सकते हैं महिंद्रा की, आपको जो ये टिपिकल जो ग्रिल रहती है ना, वही वाली ग्रिल मिलती है। इस पिकअप ट्रक के अंदर जो M2DI जो इंजन यूज़ किया है और कंप्लीट आप इसकी जो साइड से लुक देख सकते हैं, जो इस पिकअप ट्रक की लेंथ है ना, वो अराउंड 5.2 मीटर्स की आपको यहाँ पे मिलती है कंप्लीट लेंथ, और जो व्हील बेस है ना, वो आपको जो ये 3.3 मीटर्स का मिलता है। तो यहाँ पे आप इसके जो व्हील बेस और लेंथ देख सकते हैं। वैसे इसके अंदर ये जो पीछे कार्गो दिया है ना, इसके अंदर भी आपको जो दो तीन टाइप्स मिलते हैं। तो अगर आपको मतलब थोड़ी छोटी लेंथ वाला लेना है, अगर आपको थोड़ी बड़ी लेंथ वाला लेना है, तो वो भी आपको ऑप्शन मिलता है। स्पेशली ये वाला जो है 9 मीटर वाला जो वेरियंट है, यहाँ पे आप इसके जो व्हील्स वगैरह भी देख सकते हैं। मैं आपको कंप्लीट इसको पहले बाहर से दिखा देता हूँ कि क्या कुछ आपको चीज़ें मिलती है। तो बाहर से आपको यहाँ पे जो इसके अंदर 15 इंच के जो व्हील्स मिलते हैं। अगर आप टॉप वेरिएंट लेते हैं, मतलब टॉप मतलब 2 टन वाला अगर आप वेरिएंट लेते हैं, 2.0 अगर आप मॉडल लेते हैं, तो उसके अंदर आपको जो है 16 इंच के जो यहाँ पे व्हील्स मिलते हैं, जिससे जो मतलब खड्डे वगैरह रहते हैं ना, तो आपको कम लगेंगे। वैसे इसके 15 इंच के अंदर भी कुछ ऐसे ज़्यादा नहीं लगते हैं। और यहाँ पे आपका जो स्पेयर व्हील दिया गया है, स्टेपनी दिया हुआ है। उसके बाद में आप यहाँ पे जो इसको पीछे से ठीक से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे ये जो ट्रॉली दी है ना, यहाँ पे कितने सारे हुक्स दिए हैं वो भी आप देख सकते हैं। 5 हुक्स यहाँ पे साइड में दिए हैं और पीछे से आपको जो ये 3 हुक्स दिए हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे जो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये 2 पार्किंग सेंसर्स दिए हैं, जो कि अभी BS6 नॉर्म्स के अंदर जो है कंपलसरी किए हैं। तो पार्किंग करते टाइम आपको जो है थोड़ा मतलब बीप वगैरह सुनाई देगा और आप जो अच्छे से पार्किंग कर पाओगे, कहाँ पे आपकी गाड़ी जो है नहीं ठुकेगी। तो ये आपको एक काफ़ी सेफ्टी के मामले एक काफ़ी अच्छी आपको जो चीज़ मिल जाती है। अगर मैं आपको ये कार्गो दिखाऊँ ना, तो एक बार मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ। सो ये है यहाँ पे इसका कार्गो। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस की कि यहाँ पे आपको रबर का बूश मिलता है। तो जब भी मैं ये नीचे लगाता हूँ ना, तो ये टकराता नहीं है, मतलब आवाज़ नहीं आती है। यहाँ पे ये स्मूथली जो ये पीछे लगता है। तो इस आपको यहाँ पर जो बड़ा सा कार्गो मिलता है 9 मीटर वाला, और बहुत ही मतलब बड़ा है। आप बहुत सारा सामान जो इसके अंदर रख सकते हैं, आप बहुत सारा सामान जो कैरी कर सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छी बात है। पीछे से आप इसको जो कंप्लीट देख सकते हैं। वैसे आपको इस स्पेसिफिक पिकअप ट्रक के अंदर जो 1700 kg का जो ये पेलोड कैपेसिटी मिलता है। अगर आप 2.0 लेते हैं, तो उसके अंदर आपको 2000 kg का जो ये पेलोड कैपेसिटी मिलता है। अगर आप 1.3 लेते हैं ना, जो कि मतलब इसका बेस वेरिएंट है, तो उसके अंदर आपको जो ये 1250 kg का जो पेलोड कैपेसिटी मिलता है। तो यहाँ पे ये है कुछ इसके कंप्लीट लुक्स। ये दिखने में काफ़ी बड़ी दिखती है, इसकी हाइट वगैरह भी जो है काफ़ी ज़्यादा है, ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप खड्डों मतलब काफ़ी ख़राब रस्तों से भी जाते हैं ना, तो ये पिकअप ट्रक जो है काफ़ी कैपेबल होने वाला है, कहीं पे भी जो है जा सकता है। यहाँ पे HD 1.7 की जो है ये बैजिंग की है, बोलेरो मैक्स पिकअप ट्रक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो ये काफ़ी सारे स्टिकर्स वगैरह भी लगाए हैं ब्लू कलर के, तो यहाँ पे आप वो भी देख सकते हैं। डिज़ाइन वगैरह काफ़ी अच्छी दिखती है इस गाड़ी की। एक्सेसरीज़ की अगर हम बात करें ना, तो इस पिकअप ट्रक के अंदर आप व्हील कैप वगैरह लगा सकते हैं, स्टील व्हील्स है क्योंकि है, तो इसके ऊपर आप जो ये व्हील कैप वगैरह लगा के जो इसकी लुक अच्छी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो ये बारिश से बचने के लिए ये जो मिलता है ना, तो ये आप जो ये डिफ्लेक्टर लगा सकते हैं आपकी ट्रक के अंदर एज ए एक्सेसरीज़। यहाँ पे साइड मिरर्स वगैरह आपको कुछ इस तरह की जो मिलती है। और फिर से एक बार हम आ चुके हैं इसके फ्रंट की तरफ, तो यहाँ पे आप फिर से एक बार देख लेना। और मैं आपको यहाँ पे जो ये एक बार इसका इंटीरियर दिखा देता हूँ। तो ये है कुछ इसका इंटीरियर। नॉर्मल आपको यहाँ पे जो ये कुशनिंग मिलती है, उसके बाद में यहाँ पे हैंडल दिया है विंडो खोलने के लिए। यहाँ पे जो आपको ये घुमाने वाली चीज़ मिलती है। उसके बाद में आप इसका जो कंप्लीट इंटीरियर देख सकते हैं। स्पेशली इस VX मॉडल के अंदर आपको जो है ना हाइट एडजस्टेबल सीट्स मिलते हैं, LX मॉडल के अंदर आपको ये नहीं मिलेगा। और यहाँ पे चढ़ने के लिए आपको मस्त एक फुट स्टेप मिलती है, बिकॉज इस पिकअप ट्रक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो चढ़ने के लिए आपको जो यहाँ पे ऊपर पैर देना पड़ेगा, और जब मतलब कीचड़ वगैरह रहते हैं, तो काफ़ी मतलब अच्छी चीज़ बन जाती है। उसके बाद में आप इसका जो है कम्प्लीट इंटीरियर यहाँ पे देख पाओगे कि आपको क्या कैसा इंटीरियर मिलता है। यहाँ पे पकड़ने के लिए हैंडल्स दिए हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे जो ये इसका स्टेयरिंग देख सकते हैं। वैसे इसके ऊपर जो ये स्टेयरिंग कवर भी लगा हुआ है,
तो कुछ इस तरह से आप अपना जो है स्टेयरिंग कवर लगा सकते हैं, और बहुत सारे लोग लगाते भी है, यही अच्छी बात रहती है। स्टेयरिंग कवर लगाओ और स्टेयरिंग ख़राब होने से बचाओ। उसके बाद में यहाँ पे जो है ये आपको डिस्प्ले के लिए अलॉटमेंट मिलती है। अगर आपको डिस्प्ले लगवाना भी है ना, तो आप यहीं से जो है ये महिंद्रा के शोरूम से टच डिस्प्ले लगा सकते हैं और मस्त अपने गाने वगैरह इन्जॉय कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे कुछ और भी जो ये अलॉटमेंट्स दी है, यहाँ पे जो ये आपको 12 वोल्ट का जो ये चार्जिंग डॉक मिलता है, तो यहाँ पे आप अपना फ़ोन वगैरह जो ये अलग से एक चार्जर लेके जो ये चार्ज कर सकते हैं। 5 स्पीड यहाँ पे जो है गेयरबॉक्स दिया है और 2+ ड्राइवर, तो यहाँ पे आपको जो ये दो लोग बैठने के लिए जगह मिलेगी। उसके बाद में यहाँ पे एक ड्राइवर बैठेगा, जो कि अभी मैं यहाँ पे ड्राइवर बैठा हूँ। तो कैसे आप सब बाकी तो यहाँ पे एक बार मैं आपको ये ब्रोशर भी दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर कुछ मेन मुद्दों पे जो हाईलाइट किया है, M2DI इंजन यहाँ पे जो दिया है, गाड़ी की पावर वगैरह के बारे में हम वैसे बाद में भी बात करेंगे, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं 59.7 किलोवाट की आपको जो इसके अंदर पावर मिलती है, मतलब 80 BHP की आपको इसके अंदर पावर मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी है। और 220 न्यूटन मीटर्स का यहाँ पे जो टॉर्क दिया है। सिंगल प्लेट ड्राइव, इसका जो क्लच है वो आपको सिंगल प्लेट ड्राइव क्लच मिलता है। उसके बाद में आप जो है ये ट्रांसमिशन वगैरह देख सकते हैं। स्टेयरिंग आप जो पावर स्टेयरिंग इसके अंदर मिलता है, और कौन से मॉडल है वो भी यहाँ पे जो लिखे हैं, तो वो भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी तो ये ट्रॉली कार्गो का एक बार आप देखना, कार्गो की साइज़ आपको जो यहाँ पे दिख रही होगी, मैं जो मतलब आपको मुँह से बताऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ पर आप ट्रॉली की साइज़ वगैरह देख सकते हैं। आपको डिफरेंट डिफरेंट मॉडल के अंदर जो ये डिफरेंट डिफरेंट साइज़ मिलती है। आप वीडियो स्टॉप करके एक बार देख लेना कि कौन से मॉडल के अंदर जो ये कौन सी ट्रॉली मिल रही है, साइज़ आपको जो अलग अलग मिलती है। ये वाला जो हम मॉडल देख रहे हैं ना, ये वाली ट्रॉली वाला मॉडल है। बाकी तो ये कुछ आपको और भी जो है चीज़ें मिलती है, जो कि आपको कम ज़्यादा मिलेगी LX और VX मॉडल के अंदर। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं IMX टेक्नोलॉजी इस वाले मॉडल के अंदर यूज़ की है, LX वाले मॉडल के अंदर आपको नहीं मिलती है। टर्न सेफ्टी लाइट्स आपको मिलते हैं, देन हाइट एडजस्टेबल आपको सीट्स मिलते हैं, LED टेल लैम्प्स आपको इसके अंदर मिलते हैं। तो ये कुछ आपको चीज़ें इसके अंदर मिलती है, और यहाँ पे जो थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस वगैरह भी दी है। एक बार मैं आपको इसका जो इंजन है वो भी दिखाता हूँ, मतलब ये M2DI इंजन है क्या। वैसे इसके अंदर ये जो IMX टेक्नोलॉजी यूज़ की है ना, वो आपको काफ़ी मतलब सेफ़ टेक्नोलॉजी मिलती है, जिससे आपकी जो पिकअप है वो काफ़ी सेफ़ बन जाती है। रूट प्लानिंग वगैरह आपको इसके अंदर जो काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो ये है इसका M2DI इंजन, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 2523 CC का इसके अंदर आपको जो इंजन मिलता है। और मैंने आपको पावर्स वगैरह जो है मतलब सारे स्पेसिफिकेशन बोल दिए हैं। सो अगर हम बात करें ना इसके प्राइसिंग की, तो बेस मॉडल की जो कीमत है वो स्टार्ट होती है अराउंड 9,47,000 रुपीज़ से, जो कि 1.3 वेरियंट है। और अगर आप ये वाला वेरियंट लेना चाहते हैं, तो ये जो वेरियंट है स्पेसिफिक वेरियंट, ये 1.7 HD है, और इसका VX मॉडल है, तो इसकी जो कीमत है ना ये है 9,83,000 रुपीज़। अगर आप मतलब और भी मतलब ज़्यादा पेलोड कैपेसिटी वाला लेना चाहते हैं, बिकॉज इसकी जो ये 1700 kg की जो है पेलोड कैपेसिटी, अगर आपको 2000 kg की पेलोड कैपेसिटी चाहिए, तो आप जो ये इसका 2.0 वेरियंट ले सकते हैं, जिसकी प्राइसिंग अराउंड जो ये 10,63,000 के आसपास निकल जाती है, मतलब 10.5 लाख के आसपास जो इसकी निकल जाती है, जो कि एक शोरूम कीमत है। ऑन रोड कीमत 1.5 लाख जो है आसपास, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे रह जाएगा, तो वो आपको रोड टैक्स वगैरह देना पड़ेगा, गवर्नमेंट टैक्स देना पड़ेगा, और इंश्योरेंस वगैरह का जो कॉस्ट रहेगा वो आपको जो है देना पड़ेगा। तो ये कुछ आपको यहाँ पे चीज़ें मिलती है। बाकी तो गाइज मतलब ये कुछ है, मुझे तो पर्सनली ये काफ़ी मतलब कैपेबल लग रहा है। और आपको क्या लगता है इस HD सीरीज़ के बारे में महिंद्रा के नए, वो आप मुझे नीचे जो है ज़रूर से जो कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर आपको ये ट्रक मतलब अगर आपको पिकअप ट्रक लेनी है ना, तो आप जो है ज़रूर से अपने नियरेस्ट जो है महिंद्रा के शोरूम पे जाके विजिट कर सकते हैं। स्पेशली मैं आया हूँ नासिक के भाविन व्हील्स के अंदर, तो अगर आपको नासिक के अंदर जो ये महिंद्रा की कोई मतलब गाड़ी लेनी है, पिकअप ट्रक लेनी है, ये यहाँ पे मैक्सी वगैरह सुप्रो वगैरह काफ़ी सारी ट्रक्स हैं, तो अगर आपको इनमें से कोई लेनी है ना, तो आप यहाँ पे जो आके विजिट कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली आना पॉसिबल नहीं है, अगर आपको फ़ोन करके इंक्वायरी करनी है, तो मैं आपको नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगा। आप नीचे जो ये कॉन्टैक्ट नंबर पर जो कॉल करके जो इनको मतलब पूछ सकते हैं क्या चीज़ है, क्या कीमत है, और गाड़ी जो है आपके मतलब घर पर भी आ सकती है। अगर आपको चाहिए तो आपके घर पर जो टेस्ट ड्राइव के लिए भी जो गाड़ी आ सकती है। बाकी आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाली ऐसी हमसे वीडियो में। तक ले, बाय बाय।